आज हम आपको संजय दत्त के पांच लव अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर एक, टीना मुनिम। टीना इस समय रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक अनिल अंबानी की पत्नी हैं और संजय भी मान्यता से शादी कर दो जुड़वां बच्चों के पिता बन चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे और टीना की जोड़ी फिल्म रॉकी में संजय के साथ बनी थी। टीना ने संजय को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। नंबर दो, ऋचा शर्मा। संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा से उनकी मुलाकात फिल्म के मुहूर्त पर हुई थी। संजय ने जब से ऋचा की तस्वीर लोकल मैगजीन में देखी थी तब से वो उनके दीवाने हो गए थे। ऋचा 1987 में फिल्म आग ही आग की शूटिंग कर रही थी तब संजय ने उन्हें प्रपोज किया था। हालांकि ऋचा ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया लेकिन संजय बार बार उन्हें जवाब देने के लिए फोन करते थे। आखिरकार ऋचा ने उन्हें हाँ कह दिया। दोनों की शादी 1987 में हुई। 1988 में उनकी बेटी त्रिशाला हुई और बेटी के जन्म के 2 साल बाद उन्हें पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद दोनों अलग हो गए और न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का अपने माता पिता के घर निधन हो गया। नंबर तीन, माधुरी दीक्षित। साल 1998 में संजय दत्त और माधुरी ने फिल्म में साथ काम किया था लेकिन 1991 में साजन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित करीब आए। फिल्म में रोमांस करते करते उन्हें असलियत में प्यार हो गया। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी और दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि संजय उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। कहा जाता है कि 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट में जब संजय का नाम आया तब माधुरी खुद उनसे अलग हो गई। नंबर चार, रिया पिल्लई। माधुरी दीक्षित से अलग होने के बाद संजय दत्त की मुलाकात मॉडल सोशलाइट रिया पिल्लई से हुई। 13 महीने जेल की सजा काट रहे संजय के उस दौर में रिया उनके करीब आ गई। वह संजय से मिलने जेल भी जाया करती थी। साल 1998 में संजय ने रिया पिल्लई से शादी करने का फैसला किया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला जब तक इस तरह की खबर नहीं आई कि संजय दत्त का बाहर भी कहीं अफेयर चल रहा है। कुछ साल अलग रहने के बाद दोनों ने 2005 में तलाक ले लिया। नंबर पांच, रेखा। संजय दत्त और रेखा 1984 में फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग कर रहे थे जिस समय उनके अफेयर की खबरें सामने आई। उसी समय रेखा का नाम अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा था। उस दौरान ऐसी खबरें आई कि रेखा और संजय शादी करने वाले हैं और दोनों शहर से बाहर जाने वाले हैं। अफवाह उस समय यह भी थी कि अमिताभ को जलाने के लिए रेखा ने संजय के साथ अफेयर किया था।